आमडीहा आंगनबाड़ी केंद्र में शांतिपूर्ण तरीके से सेविका पूजा कुमारी को चयनित किया गया। चंदनकियारी प्रखंड के पोलगिरी पंचायत के आमडीहा आंगनबाड़ी केंद्र के लिए मंगलवार को सेविका चयन के लिए मुखिया रेखा देवी की अध्यक्षता में आम सभा किया गया। सेविका पदों के लिए 23 महिलाओं ने आवेदन दिया था, जहां CDPO राजकिशोरी खालगो, जिला परिषद सदस्य उत्तम कुमार दास, पर्यवेक्षक रूपा कुमार तथा पूर्णिमा कुमारी, समिति सदस्य भीम रजक, सांसद प्रतिनिधि रसराज महतो ने सेविका पद के लिए पूजा कुमारी को चयन कर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किया। जिला परिषद सदस्य उत्तम कुमार दास ने कहा, आमडीहा आंगनबाड़ी केंद्र में शांतिपूर्ण तरीके से सेविका पूजा कुमारी का चयन कर लिया गया है। सेविका चयन आम सभा में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चंदनकियारी पुलिस की ओर से पुलिस अधिकारी संदीप पूर्ति पुलिस जवान के साथ मौजूद रहे। मौके पर हितला बावरी, अशोक महतो, तुलसी महतो, जलेश्वर दास, उत्तम महतो, आखन महतो, शिव पूजन महतो, खुदीराम दास, निवास महतो, पूजन महतो के अलावा आमडीहा गांव के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। आज आमडीहा आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका चयन के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 18 लाभार्थियों ने अपना आवेदन समर्पित किए थे, जिसमें दो पूजा कुमारी और सुनीता कुमारी महतो के बीच टाई हुआ, लेकिन प्रस्थान के आधार पर पूजा कुमारी महतो को आपका नियुक्ति पत्र दिया गया। बैठक शांतिपूर्ण, आज का बैठक एकदम शांतिपूर्ण रहा, इसमें किसी तरह का कोई लोगों का आपत्ति नहीं है। आज सेविका चयन था आप लोग का यहाँ, तो आप कौन पद में ये की थी? सेविका पद की थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? चयन हो गया। आपको चयन हो गया, किस आधार पर हुआ? ये नियुक्ति पत्र, ये पेपर। हाँ, मेरे परसेंटेज के आधार पर मेरा चयन किया गया। अच्छा, अब आपको चयन कर लिया गया है तो किस तरह खुशी लग रहा है, और किस तरह का आप बच्चों लोग को देखभाल कीजिएगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब मैं बच्चे सबको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगी, पढ़ाऊंगी। हाँ, कई लोगों कह रहा है सर ये ठीक से नहीं हुआ है, तो आपको लग रहा है ना ठीक से हुआ है? एकदम ठीक से हुआ है, सबके सामने हुआ है। सहमति से हो गया है ना? सबके सहमति से हुआ है। सेविका चयन था, उसका में पूजा कुमारी का सबसे ज्यादा दे अंक था, इसलिए उसी का सिलेक्शन किया गया है। 18 कैंडिडेट था, उसका में दो रिजेक्ट हुआ है, जिसका उम्र ज्यादा था और एक मैट्रिक थी, तो ये क्वालिफिकेशन इंटर का रहना चाहिए था, तो दो रिजेक्ट हुआ, एक ज्यादा उम्र थी 35 से ज्यादा, इसलिए हाँ, और दो टाई हुआ था मैट्रिक, उसका माने दोनों का दे अंक 33-33 था, तो दे अंक मैट्रिक का जब टाई हो जाता है तो मैट्रिक का उसका प्रतिशत माने जो अधिक अंक मिलेगा उसी में, तो पूजा कुमारी का मैट्रिक में अधिक अंक था, इसी के आधार पर उसका सिलेक्शन, टाई के आधार पर उसका मैट्रिक में ज्यादा अंक के कारण उसका सिलेक्शन।